What's up, people? Welcome back to my YouTube channel. This is Altamash. And this is Preksha. So yes, आज हम लोग आए हैं Gateway of India. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज संडे है. अगर आप मुंबई आए हो तो गेटवे ऑफ इंडिया आना तो बनता ही है. जैसे अगर आप दिल्ली जाते हो तो आप इंडिया गेट जाते हो, हैदराबाद जाते हो तो चार मीनार जाते हो, वैसे ही अगर आप मुंबई आ रहे हो तो ऑफकोर्स गेटवे ऑफ इंडिया आना तो बनता ही. बहुत सुकून रहता था पहले यहाँ पे, लेकिन अभी संडे है तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. अभी हम जाने वाले हैं एलिफेंटा केव्स. ओके, तो वहाँ का जो भी रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो आप जरूर एंजॉय करिएगा. यस, इट इज़ 11 और बहुत ज़्यादा धूप है. तो चलते हैं और देखते हैं कैसा है. ये तो हम दोनों का फर्स्ट टाइम ही है, तो लेट्स सी. सुबह में हमने नाश्ता कर लिया था तो ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कर सकते हो. स्माइल देख रहे हो, लड़की की स्माइल देख रहे हो. क्या लेना है? ककड़ी या ऐसा ले ले, कैरी ले ले. इस लड़की को देखिए जो अकेले अकेले खा रही है, हमारा तो ध्यान है ही नहीं. लेडीज़ लोग के लिए ज़्यादा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे इयर रिंग्स और ये सब. थक गई हूँ मैं इतने में. अभी तो रास्ता बहुत बड़ा है तो देखते हैं. स्पेशल ट्रीटमेंट पिछांटी भी हंस रहे. हाँ तो ऐसे तो महाराजा लोगों को लेके जाते हैं. ओके, ओह माय गॉड, टिकट काउंटर लाइन में लगे हैं हम लोग टिकट लेने के लिए. तो इंडियंस की टिकट है 40 रुपीस एंड फॉरेनर की टिकट है 600 रुपीस. ओह माय गॉड, इट्स रियली एक्सपेंसिव. अच्छा, हम बाहर से नहीं. 10 times more expensive, more than 10 times actually. अच्छा, परीक्षा इतनी डरपोक है कि क्या बोलूँ, एक बंदर से डर रही है. हाँ, फिर बाद में वो कुछ लेके जाएगा तभी. क्या लेके जाएगा? ये तेरा वहाँ पे स्टैंड पड़ा हुआ था, टोपी वोपी लेके जाता. कौन सा स्टैंड? इतना भारी स्टैंड कोई बंदर नहीं उठा सकता. सब लेके जाएंगे. सच बोलूँ तो मुझे भी डर लग रहा है बंदरों के बीच में बैठ के. एक अच्छा सा टाइम लैप्स लेते हैं और डराते हैं परीक्षा को. और अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ उड़ रहा है तो समझ जाना इसका सारा वीडियो सब उड़ के बंदर लेके जाते. शक्ल देखे इसकी. Thank you.
ओके, तो हम अभी जा रहे हैं वापस गेटवे की ओर। सच कहूँ तो अच्छी जगह, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी वन डे ट्रिप के हिसाब से एक अच्छी जगह है ना। तुझे कैसा लगा? काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे आप खाने पीने का देख सकते हैं, और फिर शॉपिंग के लिए, शॉपिंग एज इन एंटिक स्टफ्स, अगर कुछ घर के लिए चाहिए आपको शो पीस टाइप का, दोज आर रियली वेरी प्रिटी, सो दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई। फॉर गर्ल्स देयर आर लॉट मेनी ऑप्शंस। यस, और एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज़ एक कैप, हाँ एक कैप खरीद लेना, क्योंकि बहुत धूप है यहाँ पर, एक्चुअली बहुत धूप है। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई गार्डन है चर्चगेट स्टेशन के बाजू में। सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग, और थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत कुछ ज़्यादा ही अच्छी हवा चल रही है। और आज के अगर दिन के बारे में कहूँ तो बहुत मज़ा आया, क्या बोलते, बहुत थक भी गए, बहुत थक गए हैं, अभी घर जाके सीधा नींद आने वाली हमको ज़बरदस्त। सो गाइज, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो ज़रूर देखना और लाइक ज़रूर करना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, तो हमारा जो नया वीडियो आएगा यू विल बी नोटिफाइड विद दैट। तब तक डू वॉच आवर वीडियो। यस, उधर एक और बंदर है, मैं नहीं बैठूंगी। नहीं नहीं तू ही बैठ उधर, नहीं मैं नहीं आ रही। उसमें चालू है इसीलिए बोल रहा हूं, एक बार आके बैठ तो सही। वो उठा के भाग जाएगा तब पता चलेगा। ये भागेगा। वो टोपी वो भी उड़ा के ले जाएगा। क्या बोलना था कि अभी के लिए इतना ही, सो डू वॉच दिस वीडियो और वेट कीजिए हमारे नए वीडियो आने के लिए। तब तक लाइक वेल वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही। ओके, BTS कर रहे हैं क्या? नहीं समझ में।